कैनूर भाई पे ना हेलो दोस्तों, अगर आप जो है मैदानी काइट फाइटिंग और जो है पतंगबाजी, मैदानी पतंगबाजी, क्लब वाली पतंगबाजी के शौकीन हैं, उसकी चाहत रखते हैं, पैशनेट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो का हमारा जो आपको दिखाने का जो टॉपिक है वो ये है कि आज की बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग हुई है, काइट फाइटिंग पतंगबाजी, धुआंधार पतंगबाजी जिसको कहते हैं, और 300 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक पतंगबाजी हुई है। दोनों टीमें बराबर की हैं और एक थी हमारे आपके मलियाबाद, मिर्ज़ागंज मलियाबाद की फैल्कन काइट क्लब, और दूसरी टीम थी हमारी मेट्रो काइट क्लब, वो है हमारी कनकापुरी की, जिससे कि हमारा आज मैच हुआ, बराबर की टक्कर हुई है। और हम लोग ने जो था टिकट में शुरू से ही कहना बढ़ती ले रखी थी, और फिर जो है कुछ जो है ऐसे करते करते जो बीच में फिर थोड़ा पलटा मामला, तो वहाँ पर जो है अपोनेंट टीम जो हमारी मेट्रो काइट क्लब की टीम थी उसने बढ़ती ले ली, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार शौक हुआ है, ज़बरदस्त शौक हुआ है, एक तरीके से कहा जाए कि वाह ये शौक था। और देखिए मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ टिकट जो हम लोग ने जो था बहुत किया प्रूफ के साथ में है, और हम लोग आठवां टिकट ले रहे हैं, और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा ये देखने के बाद, और आप भी कहेंगे कि वाह क्या पतंगबाजी ज़बरदस्त हुई है। और हमारी टीम के मेंबर आन हैं तौफीक, चैनूर, अरबाज, मुस्तफ़ा, फराज भाई, लफीज भाई और अनवर अहमद खान, और ये देखिए टिकट रखे हुए हैं, और इस बैग के अंदर टिकट थे, अपोनेंट वो सामने खड़ी हुई है, और बेहतरीन ज़बरदस्त हवा पछिया था, तकरीबन 15-16 की हवा थी, और फुल टू फुल कहना है मैं इसमें हम लोग इस्तेमाल किया पौना, और ज़बरदस्त एक से एक रील। ये देखिए तौफीक भाई हमारे दूर कैसे सुलझा रहे हैं, अब बच्चे को सिखा रहे हैं, ये देखिए तो मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की, तो दूर की एक चीज़ हमको कुछ दिखी इसमें, तो हमने ये कैप्चर कर ली, बेस्ट मोमेंट है। तो ओवरऑल मिला के आपको कहीं पर से भी आपको ये वीडियो में आपको बोरिंग नहीं लगेगा, सो मैंने कुछ पेज भी बनाने की कोशिश किया है। ये देखिए इतनी खूबसूरत ये हमारा हसीन लल्ला भाई, ये देखिए कैसे डोर छोड़ जा रही है, कैसे देखिए चरखी कर रहा है, कैसे उतार रहे हैं, कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं, हमारे अरबाज भाई, इसमें दो अरबाज हैं हमारी टीम में, ये देखिए कैसे क्या नाम है जब पतंग में बिल्कुल हल्की रहती कैसे उतारते हैं। और हम बैक टू अपनी टीम के पास चलते हैं, वहाँ पर हम लोग जाके देखेंगे कि क्या माहौल है, कैसे क्या है, बहुत ही पॉजिटिव वाला भी जो माहौल था आज, और जो फाइटिंग हुई है, जो काइट फाइटिंग हुई है, पतंगबाजी हुई है, बिल्कुल बराबर की, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने हर एक मोमेंट क्यों बार बार पतंग उतार रहा हूं, हर एक चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश की है, क्यों बार बार पतंग उतार। तो आप लोग को ये जो हम लोग की पतंगबाजी थी उसमें मज़ा ही आने वाला है, तौफीक भाई हमारे पतंगबाजी पतंग को उतारते हुए, तो मैंने तौफीक भाई का थोड़ा सा शॉट लेने की कोशिश किया, चलो चलो उतारो उतारो, तौफीक भाई बार बार पीछे देख रहा हूँ, पूछ रहे हैं कि भाई नहीं नहीं हमें तो जो है क्या नाम तुमको सही शॉट मिल रहा है, मैं हाँ सही शॉट मिला तुमको, कहाँ वो पूछ रहे हैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं भाई तुम फोकस करो पतंग पे, पतंग उतारते हुए क्या नाम जो है दिखा रहे हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने हाथी पे पतंग उतारते हैं, देखो भाई एक पेज आपके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमको ऐसे मूव करना, और ये पेज लड़ रहा था, फंसा हुआ था, ये 1800 मीटर पे पेज हो रहा था, जो हमारे उस्ताद पतंग जो है क्या नाम कर रहे हैं पतंगबाजी वो कर रहे थे, ये ऊपर से था पेज फंसा हुआ, बहुत ही देर तक फंसा रहा था क्योंकि ज़्यादा फटाव नहीं था, अगर ज़्यादा फटाव कर रहता है फटाव, ये देखिए देखिए कैसे कैसे डोर पे डोर, डोर पे डोर छोड़ी जा रही है, और ज़्यादा लंबे के पतंगबाजी के पेचों में जो है महीन डोर का इस्तेमाल किया जाता है, ओपोनेंट का पतंग मजबूत था इसलिए हमारी पतंग कट गई है, तो ये है। और आपको जो है क्या नाम पता होगा अगर आपको ज़रा सा भी पतंग ज्ञान है
कि पतंग जो है जितनी भी मजबूत होगी, देखिए ये जो है ना दूर के लिए पतंग रहता है, गोल काट के उसको कहते हैं पतंग। ये पतंग होती है डमरू, जो कि दूर पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है। ये हमारे शहनूर भाई हैं जो पतंग पार कर रहे हैं पेच के लिए, पेच के लिए पतंग। ये हमारे मुस्तफा, अभी इनको मैं स्लोमो में कर दूंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा देखने पर। ये देखिए मज़ा आ गया, और बहुत ही ज़बरदस्त फुल सपोर्ट था जो यहाँ पर क्षेत्र है ना हमारा जेडी अमानीगंज, यहाँ पर के जो लोग थे उनका बहुत ज़बरदस्त। अभी ब्लर कर रहा था तो मैंने सोचा पेच वेच कुछ दिखाया जाए आपको, तो मैंने शाम के पेच कुछ बनाने की कोशिश किया था कंटिन्यूसली। ये देखिए हमारे अरबाज भाई पतंग उड़ाते थे, बहुत शानदार तरीके से, बहुत मस्त आदमी हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं और दिल खोल के पतंगबाजी करते हैं। शौक़ को काफ़ी इन्हें ज़िंदा कर रखा है, इन्हीं की वजह से आज भी शौक़ जो है हमारा ज़िंदा है यहाँ पर। बेहतरीन शाम की पेच बहुत ज़बरदस्त होते हैं, 300 मीटर पे जो है पेचेस हो रहे थे और हवा भी बिल्कुल बंद गई थी, मतलब बंधी हवा मतलब होती है ना, तो वो ज़्यादा थी ना वो बहुत कम थी, बिल्कुल बंधी हुई है, सूटेबल हवा थी, क्योंकि महीना ही कुछ ये सितंबर का है, तो सितंबर के महीने में हवा बिल्कुल बंद सी जाती है और आपको बेहतरीन शौक आपका हो जाता है, ना तो धूप ज़्यादा ना तो क्या नाम उमस ज़्यादा, एक सिरे से हवा चलती है तो उसमें गर्मी भी नहीं लगती। तो ये देखिए अरबाज भाई हमारे पतंग वहाँ से पार करते हुए आ रहे थे, बहुत ही उमदा पतंगबाजी करते रहे। इन्हीं ने शुरू में 7 टिकट लिए थे अकेले, और होते करते होते करते ओवरऑल आखिरी में ये हर क्या नाम रिजल्ट ला कि बिल्कुल बैलेंस हो गया मैच, यानी टाई हो गया मैच। ये देखिए मैंने टिकट को कितना क्लोजअप करके आपको दिखाने की कोशिश किया है, ये देखिए ये थी मैच का। और ये क्या नाम आखिरी में हमारे एक भी टिकट ले गए थे, जो भी हमारे 2-3 टिकट गए थे वो वापस हम लोग आए थे लेंगे। ये हमारे शहनों पर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए और हमारे उस्ताद के सब बाजी पेच करते हुए इन्होंने 6 काट दिए थे पतंग से, फिर उन्होंने एक मैच और बसा था। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही है और मैदान भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया था। लक्ष्य सब्सक्राइब करें। हाँ बताइए।